ये जीनियस कहानी जो है अनिल जी के दिमाग की देन है। और सबसे पहले जब उन्होंने एक स्टोरी का आइडिया सुनाया कि देखो ऐसा ऐसा एक फिल्म है, इसका हमें एक ऐसा स्क्रीन प्ले रचना है, एक ऐसा स्क्रीन प्ले जो डिफरेंट हो, जिसमें एक वर्ल्ड क्लास फीलिंग हो और इमोशन ऐसा हो जो हर आदमी को टच करे, चाहे वो इंडिया के किसी गांव में रहता हो, मुंबई में रहता हो, या न्यूयॉर्क में रहता हो, या वॉशिंगटन पे रहता हो। हमें इमोशन ऐसा चाहिए जो वर्ल्ड वाइड हो, और हमें स्क्रीन प्ले ऐसा चाहिए जो वर्ल्ड क्लास हो। और उसी पे हमने मेहनत की है। 20 महीने, लगभग 20 महीने हमने उसके स्क्रीन प्ले और उसके डायलॉग्स पे काम किया। क्योंकि फिल्म जीनियस है, और अगर उसमें कोई जीनियस पंच नहीं मिलेंगे तो फिर काहे के जीनियस। बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्वियसली जब स्टोरी लिखी गई तो हाँ एक एक एलिमेंट ऑफ जीनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसी स्टोरी बहुत समय तक आई नहीं है सिनेमा में। यू नो दिस जो जो ट्रेंड है, या तो लव स्टोरीज है या अलग एक एंगल है, तो क्या पंचेस है या कैसा था नवाज और उत्कर्ष के कन्फ्रंटेशंस में, क्या यूएसपी? ये दो जीनियस की कहानी है, ठीक है। एक जीनियस नवाज है और एक उत्कर्ष। तो हमने ये कोशिश की, एक बैड बॉय और गुड बॉय, ठीक है, और टैलेंट दोनों में है, और एक देश के लिए काम करता है, एक देश के अगेंस्ट काम करता है। ये आज के यूथ की कहानी है जो है ना, ये आज की यूथ की कहानी है जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में और छोटी छोटी परेशानियों से आके भटक जाते हैं। टैलेंट होता है उनमें, लेकिन कुछ परेशानी आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है जिससे वो रास्ते से भटक जाते हैं। ये कहानी ये बताती है कि चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, आपका जो लक्ष्य है, ठीक है, उस पर आपको बने रहना है, लड़ना है, और कामयाबी जरूर मिलेगी। सो एक ही स्टोरी में एक जीनियस, एक लव स्टोरी सब कुछ लाना कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। इसलिए सुनील जी ने बताया कि हमने मतलब 20 महीने 20 महीने लग गए, और मेहनत के बाद में ये निकला है कि आप कहीं से कोई चीज़ की कमी नहीं पाएंगे और कोई चीज़ ओवर नहीं पाएंगे। यही एक खासियत होती है स्क्रीन प्ले की, एक अच्छा स्क्रीन प्ले क्राफ्ट करने में। इसलिए तो बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता है स्क्रीन प्ले लिखना। लेकिन हमारे साथ अनिल जी थे, हर वक्त उनका डायरेक्शन था, उनकी उनकी उनका इतना एक्सपीरियंस था, एंड ही इज़ वेरी मॉडर्न डायरेक्टर। आई आई शुड टेल यू ही इज़ से भी ज़्यादा ड्राफ्ट हमने किए हैं, 100। हाँ, और हाँ 110 ड्राफ्ट हमने किए, उसके बाद जाके ये जीनियस। एंड ही इज़ अनिल जी, खासतौर से अनिल जी एक वेरी वेरी अपडेटेड मैन। ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने कभी 80s में फिल्में बनाई होंगी। मुझे तो लगता है कि वो अभी 2016 और 2015 में अभी शुरू हुए। मतलब इतनी बड़ी लेगेसी होने के बावजूद ही इज सच अ मॉडर्न मैन, अपडेटेड। ही रीड्स अ लॉट एंड ही वॉचिज फिल्म्स अ लॉट। उस वर्ल्ड सिनेमा हो, आपका हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कौन सा सिनेमा है जो अनिल जी को नहीं मालूम? कौन सी बड़े बुक्स की लेखक की किताबें जिसके बारे में उन्होंने पढ़ा ना हो या वो जानते ना हो? सो एक इतना वाइडली एक्सपीरियंस आदमी था, एक हम लोग थे जो हम एक ऐसा टास्क कर रहे थे जीनियस का स्क्रीन प्ले रचते वक्त कि ये स्क्रीन प्ले आपको हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा मज़ा देते हुए जाए और आप एक अच्छी सी कहानी में पहुँचे। कहानी कहना ज़रूरी है क्योंकि अनिल जी की खासियत है, बिना कहानी के तो बात ही नहीं होगी। बात सही है। और अनिल जी ने जब हमें बॉन्ड किया कि हमें यंग राइटर्स चाहिए, ठीक है, तो जब हम अनिल जी से मिले तो अनिल जी हमसे ज़्यादा यंग निकले, और वो उनका काम करने हम थक जाते थे लेकिन वो नहीं थकते थे। और उसके बाद में ऊपर से तड़का लग गया उत्कर्ष का भी, ही वॉज इन्वॉल्व। जैसे ही वो अमेरिका से लौट के आया, ही इज़ वेरी ट्रेंड एंड ट्रेंड एक्टर। 4 साल 5 साल कोर्स किया है उधर अमेरिका में जाके, चैपमैन यूनिवर्सिटी, उसके बाद में LSE, उधर जाके ट्रेंड होके आया। और जब उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया उसमें तो और तड़का लग गया। और तो इसमें आपको हर प्रकार की सेंसिबिलिटी मिलेगी, ये मेरा आपसे। ये जीनियस एक रोमांटिक थ्रिलर है, ठीक है, रोमांस अनिल जी की फिल्मों में होता ही है, और थ्रिलर और एक्शन ना हो तो फिर लोग वेट करते हैं अनिल जी की फिल्में आ रही उसमें एक्शन होगा, लेकिन इससे रोमांटिक थ्रिलर है, बहुत मज़ा आएगा। और बहुत मेहनत की है, और अनिल जी की अंडर में काम करना बहुत सौभाग्य की बात है। सही बात है, ये बात तो सच है। बहुत अच्छी फिल्म बन गई है, और अनिल जी ने काफ़ी अच्छा शूट भी किया है, उत्कर्ष ने बहुत ही उम्दा एक्टिंग की। अरे अनिल जी ने काफी अच्छा शूट किया, मतलब क्या, अनिल जी इज फेमस फॉर गुड शूटिंग यार। मतलब उनके बारे में कुछ भी कहना हमारे लिए हमारे संभव नहीं है। वो पूरा वर्ल्ड जानता है कि वो क्या शूट करते हैं, उनका ग्रैंडियर, उनका उनका लेवल, उनका थॉट प्रोसेसिंग और उनका शॉट प्रोसेसिंग इज इज
बियॉन्ड आवर लिमिट्स, हम तो वो नहीं सोच सकते अब बिकॉज वी आर राइटर्स, वी आर लिमिटेड, बट ही इज अ डायरेक्टर, ही इज अनलिमिटेड. उत्कर्ष को देख के ऐसा नहीं लगता उसकी पहली फिल्म है, जब वो फर्स्ट डे शूट पे आया, ठीक है, तो हमें लगा कि नर्वस होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है. वैसे उसको आप लोग अजय चाइल्ड आर्टिस्ट गदर में देख चुके हैं, अब हमारे हवाले वतन शाह में देख चुके हैं, वेरी वेरी ट्रेंड एक्टर. आपको ऐसा लगेगा इसने काफ़ी एक्सपीरियंस और पहले बहुत काम कर चुका है. देखो मतलब हम सिर्फ सेट पे देख के शॉक नहीं हुए, हम पहले दिन से शॉक्ड हैं. ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग आई मस्ट से. ये जो अलग लोगों की ट्रेनिंग होती है वो अलग होती है ट्रेनिंग, एक्टर लोगों की ट्रेनिंग अलग होती है. वो कैरेक्टर पे किस तरह से काम करता है, ही रीड्स अ लॉट. उसने उस पूरा कैरेक्टर की, जो हमने कम से कम 15-20 पेज में सिर्फ वासुदेव शास्त्री की कहानी लिखी थी, बैक स्टोरी बनाई थी, उसका एक एक कैरेक्टर बनाया था. और जब उत्कर्ष ने वो पूरा पढ़ा, उसके बाद में फिर उसने, हमने तो लिखे थे 20 पेज, फिर उसने बाद में 50 पेज खुद लिखे उस कैरेक्टर के, और क्या न्यूएंसेस हो सकते हैं. सो ही इज़ सो हार्ड वर्किंग, ही प्रिपेयर्स एवरी न्यूएंसेस. वो जाके मथुरा वृंदावन में रहा, वहाँ पे देखा, देखो मुंबई में पैदा हुआ है, अनिल जी जैसे बड़े आदमी के घर में रहा है, अमेरिका में पढ़ाई हुई है, उसके बावजूद भी वो मथुरा वृंदावन में जाके रहा, उसने एक एक न्यूएंसेस, एक एक डायलैक्ट, एक एक डायलॉग का जो जो प्रोनंसिएशन है, जो वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है वो कोशिश की. सिर्फ इतना ही नहीं कि मथुरा का कर लिया, क्योंकि उस इसके कैरेक्टर में 4-5 वेरिएशंस हैं. उस हर वेरिएशन का कि एक आईआईटी स्टूडेंट कैसे वर्क करता है, कैसे बिहेव करता है, अगर वो आईआईटी स्टूडेंट छोटे से गांव से निकल के आया हो बड़े गांव में तो उसका ट्रांजिशन कैसे होता है, फिर वही कोई ऑफिसर बनता है तो क्या होता है, जब उसको प्यार होता है तो ये जो ट्रांजिशन पर ट्रांजिशन था, और जब मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, जब उन मुश्किल परिस्थितियों से उसे लड़ना हो, हारना हो, जीतना हो, जब उसके पीछे क्या होता है, ये जब तमाम चीज़ें चलती हैं और जो ट्रांजिशन होना चाहिए एज एन एक्टर, एक ट्रू रियल एक्टर का, तो वो जो चीज़ है वो उत्कर्ष लाया. और जब उसने कैरेक्टर वासुदेव शास्त्री हमको बन के दिखाया तो हम तो शॉक्ड ही थे, अनिल जी भी शॉक्ड हो गए भाई. उनको लगा कि भैया ये लड़का क्या करता है यार, इतना काम करता है. आप सेट पर जाके देखो, इतना कैरेक्टर में घुसा रहता है. अब जब वो कैरेक्टर से बाहर निकलता है तो उत्कर्ष एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, ही इज अ फन लविंग गाय, ही इज जस्ट मतलब अमेजिंग. मतलब उससे बात करके ना आपको मजा आ जाएगा, आपको ये लगेगा कि उत्कर्ष आपसे बात करता रहे, क्योंकि ही इज सो फनी. उसके एक एक चीज के पंचेज, वर्ल्ड सिनेमा का नॉलेज, अगर आपको जिस आपको किस टॉपिक पे बात करनी है उत्कर्ष से, किस टॉपिक पे, साइंस आपको, सोशल इकोनॉमी आपको, पॉलिटिकल सिनेरियो, सिनेमा वर्ल्ड सिनेमा, किस टॉपिक पे, इस हिस्ट्री, ही इज अमेजिंग. सो स्टोरी की बात करें, उत्कर्ष को ध्यान में रखते हैं, उत्कर्ष को ध्यान में नहीं 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 स्टोरी तो जीनियस है. उत्कर्ष वाज इतना प्रिपेयर्ड था, इतना प्रिपेयर्ड था कि अनिल जी को उसके अलावा कोई दिखा ही नहीं, हमको भी कोई नहीं दिखा. अनिल जी तो छोड़िए, अनिल जी तो वो क्या सोच रहे थे नहीं मालूम, लेकिन हमको उसके अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं दिखा. अगर उसके अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर होता तो कोई दूसरा हीरो होता है इस पिक्चर का. ये उत्कर्ष के लिए टेलर मेड नहीं है, उत्कर्ष ने अपने आप को टेलर मेड बना लिया इसके लिए, खुद को ढाल लिया. अब जब आपके सामने हमारे माइंड में कैरेक्टर था, हमारे माइंड में उत्कर्ष नहीं था, हमने उत्कर्ष से हम कभी मिले भी नहीं थे. जब हम कहानी लिख रहे थे वो तो बीच में आया, जब हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट लगभग आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो गई थी, स्क्रीन प्ले जब आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो गया तब हमें मुलाकात हुई. तो ऐसा नहीं है, उसने अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाला. मैंने कहा ना 20 पेज मैंने लिखे, 50 पेज उसने लिखे उसी कैरेक्टर के. इसका जवाब ये देंगे, ये ज़्यादा नर्वस है. हमारी पहली फिल्म है, ठीक है, मुंबई में तो काफ़ी सालों से हैं, लेकिन अनिल जी की वजह से ब्रेक मिला, बहुत बड़ा ब्रेक है, ठीक है. खुशी भी है और नर्वस इसलिए है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन उम्मीद ये है, उम्मीद नहीं, हमें भरोसा है पूरा कि फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी बॉक्स ऑफिस पर और हिट होगी, सुपर हिट होगी.
इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी। आप फिल्म जाके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि आप वाकई एक जीनियस पिक्चर देख रहे हैं। और ये फिल्म बहुत कमाल बनी है। देखो बॉक्स ऑफिस पे क्या होगा, मेरे ख्याल से तो मुझे तो लगता है कि बॉक्स ऑफिस पे स्टॉर्म आ जाएगा, जैसे अनिल जी की फिल्मों में आता है, गदर में आता है, हुकूमत में आता है, अपने में आता है, जो स्टॉर्म आता है वैसे ही स्ट्रॉन्ग इसमें भी आएगा, मुझे आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। जी जीनियस के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक दिल की लड़ाई है जो दिमाग से दो कैरेक्टर्स खेल रहे हैं, एक मैं और एक नवाजुद्दीन सर जो मुझसे भी बड़े जीनियस प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में। एंड बहुत ही एक्साइटिंग फिल्म है, कंप्लीट एंटरटेनर है, जैसा कि आपको ट्रेलर से अंदेशा हो ही गया होगा कि एक्शन भी है, ड्रामा भी है, रोमांस भी है, थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है। एंड इसमें दो जीनियसेस का आपको एक क्लैश देखने मिलेगा जो बहुत ही यूनिक है, एंड दोनों के बीच के माइंड गेम्स एंड रोमांस ऐसा मिलेगा जो आपके दिलों को ज़रूर छुएगा। सो आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह कैरेक्टर है आपका और क्या कुछ डिफरेंट है इसका? जी मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो 17 से 24 साल तक का एक उसकी एजिंग होती है इस फिल्म में, एंड वो मथुरा वृंदावन का है बेसिकली, एंड छोटे शहर का है, अनाथ है, एंड उसको पुजारियों ने पाला हुआ है, इत्तेफाक से उसको गॉड गिफ्ट है, फोटोजेनिक मेमोरी है, हाई आईक्यू है, तो उसने गीता भी पढ़ी हुई है तो साइंस भी पढ़ा हुआ है, उन सब का मिश्रण करके उसने एक अपनी दुनिया, एक अपनी फिलॉसफी बनाई हुई है। तो वो दुनिया और विश्व के बारे में बहुत यूनिक थॉट सोचता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहता है, IIT जाता है, वहाँ टॉप करता है, वहाँ पर उसे उसकी दुनिया का सबसे बड़ा मकसद इशिता जी जो नंदिनी का किरदार निभा रही हैं वो मिलती है, एंड ग्रेजुअली वो फिर रॉ में हायर कर लिया जाता है 20-21 साल की उम्र में, क्योंकि वो इतना जीनियस है और रॉ वालों को लगता है कि ये देश का भार संभाल सकता है, तो उसको हायर कर लेते हैं एंड बस वहाँ से ही उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। सो आपके कैरेक्टर वालों को जानना चाहिए, किस तरह कैरेक्टर है आपका? लाइक उत्कर्ष मेंशन, इट्स अ लव इंटरेस्ट ऑफ हिज कैरेक्टर, एंड मेरी जो कैरेक्टर है शी गेट्स व्हाट शी वांट्स एंड शी नेवर लेट्स एनीथिंग और एनीवन गेट बिटवीन हर एंड हर गोल्स, सो दैट्स वेयर हिज कैरेक्टर कम। And basically, a character like grows throughout the movie, and there's like a college part, and there's like a more grown up and a mature part. The rest you'll know once you watch the movie. So, उत्कर्ष, हमने सुना कि ये story आपको ध्यान में रखके नहीं बनाई गई थी, so कितना मुश्किल था इस फिल्म में कास्ट होना? जी, जो लेखक थे एंड जो निर्देशक थे उन सब ने ये कहानी एक किरदार की बनाई, किसी हीरो या किसी अलग कैरेक्टर को लेके माइंड में नहीं बनाई थी। इनिशियली जब ये कहानी लिखी जा रही थी तब ये एक 40 से 45 साल के उम्र की कैरेक्टर की कहानी थी, बट उस दौरान उसके बीच में पापा ने सिंह साहब शुरू कर दी, तो उसके बाद जब मैं लौटा तो उन्होंने कहा कि वो जीनियस एक 17 से 20, 21, 22 साल के कैरेक्टर के बीच की कहानी बनाना चाहते हैं, उसमें थोड़ा और रोमांस वगैरह डालना चाहते हैं, ड्राई फिल्म नहीं पेश करना चाहते, तो उन्होंने मुझे कास्ट किया क्योंकि मैं उस एज ब्रैकेट को फिट करता था और मैंने ट्रेनिंग भी ली हुई थी। तो ये एक मैं कोई हीरो की तरह नहीं आ रहा इस फिल्म में, मैं एक किरदार की तरह आ रहा हूँ, और नवाज़ सर भी कोई खलनायक की तरह नहीं आ रहे, एक किरदार की तरह आ रहे हैं जिसके ग्रे शेड्स हैं, एंड बस उसी पे जज कीजिएगा। सो फिल्म में देखा गया है, जैसा आपने बताया थ्रिलर है, लव ट्रायंगल है, जी अलग ही वे में फिल्म भी जाती है, जी कितना है मतलब सरप्राइज करिए ऑडियंस को, क्या कुछ फैक्टर्स है जो आपने आप खुद सरप्राइज हो गए उन चीज़ों को फिल्म में देखकर? जी इसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है, सस्पेंस है, जो मैं बोलना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता आपको। एक बेसिकली थ्रिल राइड है, एक रोलर कोस्टर जैसे होता है, अगर मैं आपको बता दूं कि आगे ये आने वाला है, ये आने वाला है, ये आने वाला है, तो आप उतना एक्साइटेड नहीं रहेंगे, तो मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकता, बट ज़रूर इसमें माइंड गेम्स, दो जीनियसेस की लड़ाई है, तो आप सोच लीजिए एक जो इंडिया का जीनियस है एंड दूसरा एक अलग ही जगह का जीनियस है, तो आप सोच सकते हैं कि जब देश स्टेक पे आ सकता है तो किस लेवल पे दो जीनियसेस की लड़ाई हो रही होगी, एंड बहुत ही एक्साइटिंग होगा, बहुत रोमांचिक होगा, एंड आपको एज ऑफ द सीट रखेगा। इशिता, आपके बारे में जाना, किस तरह फिल्म से जुड़ी है और क्या
कुछ उसके पीछे की प्रिपरेशन लगी उसके बाद किस तरह आप फिल्म से जुड़ी, किस तरह कनेक्ट हुई फिल्म से, कास्टिंग हुई आपको? फिल्म का जो स्टार्टिंग पोर्शन है जो कॉलेज का जो है, तो आई कुड रिलेट टू इट अ लॉट बिकॉज इट वॉज लाइक रियल जर्नी फॉर मी. फर्स्ट डे मैंने एक्चुअल में अटेंड किया, so I could like you know relate to her a lot because she's just like me who's focused on her career and like she wants to achieve her goals. And secondly, the mature part was kind of difficult, but I really am glad that Utkarsh and Anil sir helped me a lot getting into it, so that's how it is. जी कितना इन पर्सन लाइफ गीता या अदर नोबल कितना आप पढ़ते हैं, कितना आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसके बारे में जरा? जी बहुत अच्छा प्रश्न है. देखिए मैं धर्म में यकीन करता हूँ, वैसा व्यक्ति हूँ बाय, पर मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत मुझे लगता है जो गीता रामायण महाभारत ये जो हमारी कहानियाँ हैं, जो हमारी माइथोलॉजी है, ये सब बहुत ही ये ऐसी कहानियाँ सिर्फ लिखी नहीं जाती, ये घटती हैं तभी ऐसी कहानियाँ बनती हैं. एंड ये बहुत ही इंस्पायर करती हैं मुझे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जब भी कहीं ना कहीं अपने आप को इसमें पा लेता हूँ जब भी मैं इनके कुछ भी श्लोक, हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने पूरी गीता पढ़ी है या पूरे महाभारत के सारे अध्याय पढ़े हैं, बट ज़रूर कुछ कुछ अंशों में पढ़े हैं, कुछ चीज़ें बहुत छुई हैं, कथा तो पूरी सुनी है. एंड पर्सनल लाइफ में मैं बहुत बिलीव करता हूँ. सो आप कितना बिलीव करते हैं इस तरह की नॉवेल्स में, गीता हो गई, कुरान हो गया, बाइबल हो गई, इस तरह के जो ग्रंथ हैं उस पर कितना आप बिलीव करते हैं, कितना पसंद करते हैं उसको रीड करना? बहुत होता है वैसे, एक्चुअली आई हैव नो वर्ड्स वैसे बताने के लिए, लेकिन मेनली आई वुड लाइक टू से कि ये मूवी में मैं बहुत सीखने को मिला. एंड मैं अनिल सर के साथ काम कर रही हूँ, ये बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए, और मैं ये भी लकी हूँ कि उत्कर्ष जैसा कोस्टार मुझे अपने पहली फिल्म में मिला, तो यही बताना चाहूँगी. जी 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 उसके बारे में क्या कुछ जी, जैसा कि आप जानते ही हैं मैं बम्बई का रहने वाला लड़का हूँ, बम्बैया भाषा बोलता हूँ, तो मथुरा वृंदावन का कैरेक्टर वैसे ही रंगीन होते हैं वहाँ के लोग, तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे रहा 10-15 दिन, वैसे ही कपड़े पहने, वैसे ही खाना खाया, वैसे ही लोगों के बीच में बैठा जो एकदम ही ठेठ थे, जिन्होंने शायद फिल्म भी नहीं देखी होगी कभी अपने जीवन में, तो उन सब से उनकी भाषा, उनके बोलने का अंदाज़ बहुत कुछ सीखने मिला मुझे. ब्रिज भाषा सीखी वहाँ पे, जो बहुत ही प्यारी भाषा है, मथुरा में थोड़ी गाली की तरह लगती है, वृंदावन में वही बहुत ही दया दृष्टि की भाषा लगती है, तो दोनों शहरों में जो 30 मिनट का डिफरेंस है उसके बीच में भी ये भाषा के बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशन हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा एक नए कल्चर में रहना, उसमें घुल जाना, शायद यही एक्टिंग की सबसे पसंदीदा चीज़ है मेरी, कि जहाँ पे आप एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगी जी लेते हैं. एंड यही मैं करना चाहता हूँ, एंड मुझे बहुत मज़ा आया मथुरा वृंदावन में रहकर. अनिल सर के साथ काम करने में क्या कुछ प्रेशर भी था या कुछ ऐसा माइंडसेट में था कि डैड है ऐसा कुछ था? जी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी उनके साथ काम करने में गदर में, एंड वीर में मैंने उनको असिस्ट भी किया था, तो मैं जानता हूँ किस तरीके से काम करते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं अपने काम के प्रति, वो फैमिली वैमिली किसी को कुछ नहीं देखते, वो ओवर पैशनेट डायरेक्टर हैं, 48 घंटे तक बिना नींद के काम कर सकते हैं, और अगर क्रू नींद नहीं ले तो 100 घंटे भी बिना नींद के काम कर ले, तो ये तो मुझे पता ही है कि जब भी मैं उनके साथ काम करूँगा मुझे हर सीन एक मंत्र की तरह याद हो जाना चाहिए, हर पूरी स्क्रिप्ट मंत्र की तरह याद हो जानी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी सीन किसी भी शॉट के लिए बुला सकते हैं, एंड वो रात के 3-4 बजे भी हों तो भी आपसे परफेक्ट शॉट लेके ही आपको छोड़ेंगे. एंड तो मैं उनके वर्किंग स्टाइल से बहुत ही वाकिफ हूँ, तो मुझे पता था कि क्या स्टोर में है मेरे लिए, एंड आई वाज ऑन माय टोज. थोड़ा सा कुछ प्रेशर था अनिल सर के साथ काम करने में, कुछ प्रेशर था या नर्वसनेस थी सर के साथ काम करने में?
वैसे अनिल सर के साथ जो मैंने पहले वर्कशॉप किए, जो रिहर्सल्स किए ना, उसमें बहुत सारे उन्होंने लेसन मुझे बताए जो मैं हमेशा अपने लाइफ में याद रखूंगी। तो ये बात तो मैं हमेशा लाइक आई एम रियली ग्लैड कि मैंने उनके साथ काम किया। मेरी पहली फिल्म में उनके साथ मैं डेब्यू करी, और ये भी एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं आफ्टर लॉन्चिंग सो मेनी हीरोइंस आई एम लाइक अराउंड द 9th और समथिंग लाइक दैट, सो आई एम रियली ग्लैड। हाँ बिल्कुल देखी है। तो इस फिल्म में क्या कुछ डिफरेंट लगा आपके कैरेक्टर में या उत्कर्ष के कैरेक्टर में? वैसे हम लोग इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज तभी वो बच्चा था, अभी ही इज लाइक ग्रोन अप एंड बचपन में। लेकिन एक बात है कि तब से ही वो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं एंड यही बात मैं बता सकती हूँ। और बस ज़्यादा कुछ है नहीं बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज़ द सेम पर्सन, लाइक बस बड़े हो गए। नवाज के साथ स्क्रीन शेयर करना बहुत ही आज डिफिकल्ट है या तो उसके बारे में जरूर बताएं? नवाज भी है, मिथुन सर भी है। जी जी, नवाज सर, मिथुन सर, ये सब अपने आप में लेजेंड हैं। ये सिर्फ क्लासेस या ये क्लासेस मासेस दोनों के क्या कहें सुपर स्टार्स हैं एंड दोनों ने ही इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अक्लेम पाई है। तो जब आप ऐसे कलाकारों के साथ काम करते हैं तो आपके काम में निखार आ ही जाता है, क्योंकि ये जब सेट पे होते हैं आज भी इनमें वही प्रोफेशनलिज्म है कि ये एक एक छोटे से छोटे नुआंस पे प्रेपरेशन करते हैं एंड जब ये सेट पे आपके सामने आते हैं वो लेजेंड की तरह नहीं आते, वो सुपरस्टार की तरह नहीं आते, वो एज द कैरेक्टर आते हैं आपके सामने एंड आपके लिए काम आसान हो जाता है क्योंकि जो आपने विजुलाइज़ किया था स्क्रिप्ट पढ़ते हुए ये वही हैं आपके सामने एंड आपको बस उनसे रिएक्ट ऑफ करना है। एज एन एक्टर आपके सीन और निखर जाते हैं। तो मुझे तो बहुत ही मैं बहुत थैंकफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली ऐसे दो महान दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने की। जी मैं जॉनर पे तो कभी जाने नहीं वाला क्योंकि जॉनर यानी मैं खुद को लिमिट कर रहा हूँ। मैं एक्टिंग में आया हूँ क्योंकि मुझे अलग अलग किरदार निभाने हैं, मुझे ये अवसर मिलेगा डायरेक्टरों की आवाज़ बनने का, नई नई कहानियाँ नई नई चीज़ें दर्शकों तक पहुँचाने का। तो मैं अपने आप को उसमें लिमिट नहीं करना चाहता कि कौन से जॉनर की कौन से टाइप की फिल्में, बट ये ज़रूर है कि मैं ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ जो कंटेंट में भी अच्छी हों और एंटरटेनमेंट में भी उतनी अच्छी हो। तो बस ये उम्मीद है और बस। तो रिलीजिंग डेट करीब आ गई है, कुछ नर्वसमेंट कुछ एक्साइटमेंट है आपके? जी एक्साइटेड तो बहुत हूँ क्योंकि ये एक सपना है जो जिसकी कई काफ़ी तैयारी की है मैंने, जिसके लिए मैंने कई काफ़ी मेहनत की है एंड वो फाइनली दर्शकों के सामने आने वाला है। तो नेचुरली आई एम थ्रिल्ड, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड उम्मीद करता हूँ कि सभी दर्शकों को पसंद आए। तो लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को? जी गिनेस आ रही है 24 अगस्त को, ये जरूर जरूर देखिए। कंप्लीट एंटरटेनर है और आप इसमें जो एक्शन है, थ्रिल है, रोमांस है, आप सब को बहुत पसंद आएगा एंड ये फिल्म है दर्शकों के लिए। हमारे जो निर्देशक हैं, जो इत्तेफाक से मेरे पिताजी हैं, वो हमेशा दर्शकों के लिए ही अपनी फिल्में बनाते हैं। ये फिल्म भी उन्हीं के लिए बनी है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए बनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।